हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में यह हमारी फोर्थ वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ क्रिएटेड ए प्रोटोटाइप वेंटिलेटर ऑफ ए बैग वैल्यू मास्क आल्सो नोन एज एम्बू बैग। रिसेंटली कौन सी कंपनी ने एक प्रोटोटाइप बनाया है वेंटिलेटर का, जिसका नाम दिया गया है एम्बू बैग। ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी बजाज, सी रिलायंस, डी अडानी कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटोटाइप होता क्या है। कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उस डिज़ाइन को ही प्रोटोटाइप बोला जाता है। आगे एम्बू की फुल फॉर्म, एम्बू की फुल फॉर्म है अपनी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रेथिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है अपनी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये याद कर सकते हैं। इट मे कॉस्ट लेस देन ₹7,500, इसकी कॉस्ट 7,500 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी अनाउंस टू डोनेट 10 मिलियन मास्क टू मेडिकल कम्युनिटी इन USA। कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 10 मिलियन मास्क मेडिकल कम्युनिटी को बांटेगी, कहाँ पे? USA के अंदर। ए गूगल, बी एप्पल, सी फेसबुक, डी वन प्लस। इसका आंसर है एप्पल, ऑप्शन बी। और CEO ऑफ एप्पल कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ICMR परमिटेड हाउ मैनी प्राइवेट लैब्स फॉर COVID-19 टेस्टिंग। रिसेंटली ICMR ने कितनी प्राइवेट लैब्स को परमिट कर दिया है या उनको परमिशन दे दी है COVID-19 की टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले ICMR क्या है पड़ी, ये पहले भी आपने हमने वीडियो में आपको बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसने प्राइवेट लैब्स को परमिशन दिया। यहाँ पे याद रखें कि प्राइवेट लैब्स को। ऑप्शन ए 33, बी 38, सी 35, डी 37। तो इसका आंसर आएगा 35। और साथ ही साथ कि आप याद रखें कि ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पड़ा, न्यू दिल्ली के अंदर। स्टैटिक के फॉर्म में पेपर के अंदर आ सकता है कि ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ICMR की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नोट, मैक्सिमम लैब्स विल बी मेड इन महाराष्ट्र। जो प्राइवेट लैब जो 35 खुली हैं, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है पड़ी? महाराष्ट्र। और कितनी है पड़ी? 9। महाराष्ट्र की कितनी है? 9। और न्यू दिल्ली के अंदर है पड़ी इसके बाद 6। और ये क्या है पड़ी? प्राइवेट लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली दूरदर्शन इज गोइंग टू री टेलीकास्ट विच TV सीरियल फ्रॉम सैटरडे ऑन DD नेशनल। रिसेंटली दूरदर्शन रीटेलीकास्ट करेगा कौन सा TV सीरियल फ्रॉम सैटरडे ऑन DD नेशनल। ए रामायणा, बी महाभारता, सी ब्योमकेश बख्शी, डी ननोतीस। तो इसका आंसर है रामायणा। रामायणा को दोबारा टेलीकास्ट किया जाएगा DD नेशनल के ऊपर। और ये कब से कब आएगी? मॉर्निंग में 9 AM से 10 AM और इवनिंग में 9 PM से 10 PM। तो मतलब एक दिन में 2 बार ये एपिसोड आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल सेट अप द लार्जेस्ट COVID-19 हॉस्पिटल। कौन सा स्टेट लार्जेस्ट COVID-19 हॉस्पिटल सेटअप करेगा इंडिया के अंदर? फर्स्ट है पड़ा, ये फर्स्ट जो सेटअप कर रहा है पड़ा। ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी वेस्ट बंगाल, डी पंजाब। तो इसका आंसर है बी ओडिशा। नोट, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1,000 बेड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली RBI कट द रेपो रेट 75 बेसिक पॉइंट्स, व्हाट इज द करंट रेपो रेट। RBI ने क्या किया कि 75 बेसिक पॉइंट से रेपो रेट को कट कर दिया। तो अब कट करने के बाद रेपो रेट कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 4.35, ऑप्शन बी 4.45, ऑप्शन सी 4.40, ऑप्शन डी 4.45। तो इसका आंसर है 4.40। अब 4.40 हो गई है, तो
तो कितने से कट किए ना, 75 बेसिक पॉइंट। तो मतलब 75 बेसिक पॉइंट कम हो गए हैं। तो पहले कितनी थी, इसके अंदर 75 बेसिक पॉइंट ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5.15। तो 5.15 पहले थी और 4.40 हो गई है। और ये क्या है अपनी रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट वो कितनी हो गई है, रिवर्स रेपो रेट हो गई है 4%, और पहले कितनी थी पड़ी, 4.90। इसको कितने पॉइंटों से कम, बेसिक पॉइंटों से कम किया गया, 90 बेसिक पॉइंट। पहले जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बराबर ही बेसिक पॉइंटों से कम किया जाता था, लेकिन अब अलग अलग पॉइंटों से कम किया गया है। और सी आर आर, यहाँ पे गलत लग गया है। सी आर आर होता है कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अभी कि यहाँ पे सी आर आर की फुल फॉर्म क्या आएगी, कैश रिजर्व रेशो, जो कि अब हो गया है 3%। पहले कितना था पड़ा, पहले था 4%, और अब हो गया है 3%। कितने बेसिक पॉइंटों से कम हो गया, 100 बेसिक पॉइंट। और गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड थिएटर डे कब ऑब्जर्व किया गया या कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 मार्च, बी 27 मार्च, सी 25 मार्च, डी 28 मार्च। तो इसका आंसर है 27 मार्च। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1961 बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1961 में, और किसके द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ITI, फ्रांस के अंदर। तो यहाँ से आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है, और इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिक के क्वेश्चन करंट अफेयर में से ही बन के आते हैं कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है पड़ा, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मो जीवन प्रोग्राम इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। मो जीवन प्रोग्राम किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे जी बन लिखा है ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में है पड़ा, वैसे इसका मीनिंग है पड़ा मो जीवन प्रोग्राम। ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी ओडिशा, डी हरियाणा। तो इसका आंसर है बी नहीं, सी ओडिशा। ये किस लिए स्टार्ट किया गया है, कोविड-19 को रोकने के लिए। वहाँ के CM कौन है पड़े उड़ीसा के, नवीन पटनायक। और इन्होंने स्टार्ट किया है कोविड-19 को रोकने के लिए, उन्होंने कहा है कि आप 20-20 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए अच्छी तरह, अपने घर में ही रहिए, तभी हम कोविड-19 से बच सकते हैं। और गवर्नर कहाँ कौन है वहाँ के, गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली नेमई घोष पास्ड अवे, विच फील्ड ही वॉज एसोसिएटेड विद। नेमई घोष अभी अभी डेथ हो गई है उनकी, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी पड़ी। ऑप्शन ए फोटोग्राफी, डी मीडिया, सी जर्नलिज्म, डी पॉलिटिक्स। तो वो थी पड़ी फोटोग्राफी के फील्ड से एसोसिएटेड, और वो क्या थी, फोटोग्राफर थी पड़ी, तभी वो फोटोग्राफी के फील्ड से एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच IIT हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट इजैक। किस IIT ने प्रोजेक्ट इजैक को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT गांधीनगर, डी IIT चेन्नई। तो इसका आंसर आएगा IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट इजैक को लॉन्च किया है। नोट दिस प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय सर इजैक न्यूटन। क्यों, ये सर इजैक न्यूटन से इंस्पायर है अपना प्रोजेक्ट, क्यों हम देखते हैं, क्योंकि जब सर इजैक न्यूटन अपने स्कूल में पढ़ते थे, तब 1665 के अंदर प्लेग की बीमारी लंदन के अंदर फैल गई थी। तब उन्होंने घर से ही अपना काम किया था, तभी ये स्टार्ट किया गया, ताकि कोविड-19 के टाइम बच्चे अपने घर में रहकर कोई स्टूडेंट क्रिएटिव प्रोजेक्ट को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मी चीफ हैज़ रिसेंटली सेड दैट 45 बेड आइसोलेशन फैसिलिटी एंड 10 बेड ICU फैसिलिटी विल बी सेट अप फॉर कोविड-19 पेशेंट।
वट इज़ द नेम ऑफ आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने कहा है कि अभी अभी कहा है कि 45 बेड आइसोलेशन फैसिलिटी बेड की और 10 बेड आईसीयू फैसिलिटी सेटअप कर दी जाएगी फॉर कोविड 19 पेशेंट के लिए, इसके द्वारा आर्मी के लोगों के द्वारा। हु इज़ द आर्मी चीफ, तो हमारे आर्मी चीफ कौन है पढ़े, ए एम एम नरवाने, बी बिपिन रावत, सी अभिनव मिश्रा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आएगा आंसर एम एम नरवाने। एम एम की फुल फॉर्म क्या है पढ़ी, मुकुंद मनोज मुकुंद नरवाने। क्या है पढ़ी, एम एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, ये हमारे क्या है आर्मी चीफ। और आर्मी के वाइस चीफ कौन है पढ़े, सतिंदर कुमार सैनी। कौन है पढ़े, सतिंदर कुमार सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IPRS अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेंबर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा IPRS। क्या आएगा, IPRS। रिसेंटली IPRS ने अनाउंस किया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेंबर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय IPRS ने अनाउंस किया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट अपने मेंबर को प्रोवाइड कराएगी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPRS, IPRS की फुल फॉर्म क्या है, ए इंडियन परफॉर्मिंग रैंडम सोसाइटी, बी इंडियन पेट्रो राइट सोसाइटी, सी इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। क्या है पढ़ा, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं। और इसके चेयरमैन कौन है पढ़े, इसके चेयरमैन है पढ़े जावेद अख्तर। कौन है, जावेद अख्तर, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मार्क ब्लम पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 फ्रॉम कोविड 19, हु वाज ही। रिसेंटली मार्क ब्लम की डेथ हो गई, वो कोविड 19 के कारण, वो कौन थे, ए एक्टर, बी पॉलिटिशियन, सी स्पोर्ट्समैन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एक्टर, क्या थे वो, एक्टर। उनकी डेथ किसके कारण होगी, कोविड 19 के द्वारा, मार्क प्लम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज ऑफर्ड हाउ मैनी क्रोर्स टू बैंक्स रिसेंटली। RBI ने अभी अभी कितने मनी ऑफर की है बैंक्स को रिसेंटली। ऑप्शन ए 11,522 करोड़, बी 11,722 करोड़, सी 11,820 करोड़, डी 11,915 करोड़। तो इसका आंसर है 11,722 करोड़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके लिए, पीओ के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पीओ के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑप्टेड न्यूक्लियर बंकर मेथड्स टू डील विद कोविड 19। किस कंट्री ने किस मेथड को अपनाया है, न्यूक्लियर बंकर मेथड को, किससे डील करने के लिए, कोविड 19 से, ए इज़राइल, बी USA, सी इटली, डी फ्रांस। तो इसका आंसर आएगा इज़राइल। क्या आएगा, इज़राइल। इज़राइल ने कौन सा मेथड यूज़ किया, न्यूक्लियर बंकर मेथड्स टू डील विद कोविड 19। आजकल कोविड 19 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी कंट्री ने कौन सी टेक्निक की या क्या किया उसके लड़ने के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट GDP हैज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी फोरकास्ट। कितनी GDP फोरकास्ट किया है किसने, मूडीज के द्वारा, किसकी, यहाँ पे लिखा नहीं गया, इंडिया की, और कब के लिए, फाइनल ईयर 21। ये फाइनल ईयर 21 क्यों लिखा गया है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ और आपको फाइनल ईयर 21 का मतलब समझाता हूँ। फाइनल ईयर 21 होता है जब, ये फाइनल ईयर 21 का मतलब है 2020 से लेकर 21, लेकिन 2020 से लेकर 21 कब तक, 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 2020 से कब तक, 31 मार्च 2021 तक, ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर 21।
फाइनेंशियल ईयर 21। तो आपको समझ आ गया कि फाइनेंशियल ईयरों को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच परसेंट जीडीपी हैज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी फोरकास्ट। मूडी ने इंडिया की फाइनल ईयर 21 के लिए जीडीपी को क्या फोरकास्ट किया है? ए 2.7%, बी 2.3%, सी 2.5%, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा 2.5%। ये कम क्यों हो गई है? अभी तो हम 5% की फोरकास्ट कर रहे थे, ये कोविड-19 की वजह से कम हो गई है फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच परसेंट ऑफ ईपीएफ कैन वर्कर्स विड्रो और 3 months वेजेस विच एवर इज लोअर। कितने परसेंट तक ईपीएफ की जो है पड़ी वर्कर अपना विड्रॉ कर सकते हैं? ईपीएफ, ईपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में से कितना वर्कर विड्रॉ कर सकता है, कितना परसेंट, या तो वो परसेंट वाला चीज़ जो है पड़ी वो विड्रॉ कर सकता है, या 3 months की अपनी वेजेस जो कि इन दोनों में से लोअर होगी। ए 70%, बी 75%, सी 65%, डी 80%। तो इसका आंसर आएगा 75%। तो ईपीएफ में से हम 75% हमारा या 3 month की वेजेस को विड्रॉ कर सकते हैं, जो इन दोनों चीज़ में से लोअर होएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ गॉटन अप्रूवल टू डिप्लॉय अप टू 1 million टर्मिनल्स इन द USA फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड्स। कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिल गया है कि वो डिप्लॉय कर सकती है 1 million टर्मिनल्स इन द USA फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए? ऑप्शन ए गूगल, बी फेसबुक, सी एप्पल, डी स्पेस एक्स। तो इसका आंसर आएगा स्पेस एक्स। और CEO ऑफ स्पेस एक्स कौन है पड़े? एलोन मस्क। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें एडवाइस दे सकते हैं ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। और आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ सुबह 8 बजे हमारी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स।